योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मुझ मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली, कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। एक ही ठीक आ रही है। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मुझ मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं,
अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए, अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन की उपज किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्लीवासी इस बात के लिए परेशान है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्लीवासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे।